वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा ओशन करेंट्स। जैसे कि हमारा चैप्टर चल ही रहा है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, और आज वाटर का ही आज आखिरी टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से हमारा चल रहा है, आज हम उसको समझेंगे। तो प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान दें मेरी बात पे। आज हमें पढ़ना है ओशनिक करेंट्स। जैसे कि आप सामने टॉपिक लिखा हुआ है, ओशनिक करेंट का मतलब क्या हुआ? ओशनिक करंट का मतलब होता है बच्चे फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बहाव, ठीक है, उसका सही डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में पानी के को बहना ही हमारा फ्लो ऑफ कहता है। और ये डायरेक्शन जो होना चाहिए हमारा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। ये पानी जो मूव कर रहा है इसका मूवमेंट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। आइए जरा इसको समझ लेते हैं। जब हमारा ओशनिक का पानी, यानी कि जब हमारा समुद्र का पानी, ओशंस का पानी, महासागरों का पानी जब एक फिक्स डायरेक्शन में बहता है और फिक्स स्पीड के साथ, तो उसी को ही हम कहते हैं ओशनिक करंट्स। आइए जरा जान लेते हैं। ये पानी बह रहा है, ये हमारा पानी सपोज करिए, पानी क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, पानी का है, इसका डायरेक्शन पानी फिक्स है, सीधे जा रहा है, ठीक। ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये पानी इधर को भी जा रहा हो या इधर को भी, या अपने रास्ते से जो है ये भटक रहा हो। तो जो हमारा ओशन का पानी जो है, ओशन का वाटर जो है, अपने फिक्स डायरेक्शन में जाता है, जो कभी भी अपने रास्ते से भटकता नहीं है और जिसकी वेलोसिटी स्पीड भी सेम होती है, उसी को ही हम ओशनिक करंट बोलते हैं। ओशनिक करंट को और जरा डीपली में जान लेते हैं। अच्छा, ऐसा पानी जो एक सही बहाव में चल रहा हो, उसकी कांस्टेंट स्पीड जा रही है, ठीक। पानी जब हमारा चलता है तो ऐसे करके चलता है, देखा हो, ऐसे करके पानी चलता है। तो ये जो चलता है ये विंड के डायरेक्शन से चलता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हमारी हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में ही हमारा पानी भी बहता है, तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और वही हमारा क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पानी जो है करंट के फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड भी बराबर मेंटेन हो रही है और साथ में इसका पाथ भी, डायरेक्शन भी फिक्स है, क्योंकि पानी सीधे जा रहा है। अच्छा, वो कंडीशन क्या है जिसमें पानी का डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, पानी भटक जाए, तो उस चीज को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। उस चीज को बोलते हैं प्यारे बच्चों हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखी जाए, यहाँ तक जो पानी जो बह रहा था, यहाँ तक तो था हमारा ओशनिक करंट, शॉर्ट फॉर्म में ओशनिक करंट डाल देता हूँ। और जैसे ही इसकी स्पीड चेंज हो गई और इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पानी से अपने पथ से भटक गया, किस डायरेक्शन में पानी जाने से पता ही नहीं, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ड्रिफ्ट। इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक। इसी तरीके से हम यहाँ पर बोलते हैं। अब हम जरा बात करते हैं रीजंस, किस कारणों की वजह से हमारा जो है ओशनिक करंट बनता है। आइए जरा जान लेते हैं, यानी कि पानी में, हमारे सागरों में, ओशंस में करंट का बहाव कैसे होता है, इसी को ही हम ओशनिक करंट बोलते हैं। कि पानी के बहाव, जब हमारा पानी एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाता है विंड के डायरेक्शन से, और उसका डायरेक्शन भी फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। यहाँ पे डेफिनेट का मतलब है फिक्स, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है और साथ में उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड भी फिक्स है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं ओशनिक करंट। जब वो पानी एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स स्पीड के साथ बह रहा हो, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ बह रहा हो, तो बस एक पानी कभी नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो बस यही चीज को हम ओशनिक करंट बोलते हैं। और ये चीज हम देखते हैं महासागरों, समुद्र में देखते हैं। और जिसका डायरेक्शन फिक्स ना हो और ना ही स्पीड फिक्स हो, वेलोसिटी फिक्स हो, तो उसी को ही हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये जो पानी का जो बहाव है, जो फ्लो है, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल,
आपको पता होगा, ये अगर ऐसे जा रहा है कोई भी लाइन, कोई भी चीज हमारी ऐसे जा रही है बिल्कुल, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। अगर कोई भी चीज ऐसे जा रही है तो ये हमारा होता है वर्टिकल। ध्यान से बात सुने, अब जरा मूव कर लेते हैं, वो रीजंस कौन से हैं जिसकी वजह से हमारे ओशन करंट्स बनते हैं, फॉर्म होते हैं, आइए जरा जान लेते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे ओशन करंट्स बनते हैं? तो सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट जो है वो होता है हमारा बच्चे स्लोप ऑफ ओशनिक बॉटम। आइए जरा जान लेते हैं इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। रीजंस की मैं बात करता हूं, देखिए वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे क्या है ओशन करंट फॉर्म होते हैं, ओशन करंट की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ द ओशन, जरा ध्यान रहे, जैसा हमारा ओशन का बॉटम जो है, स्लोप कहने का मतलब है ढाल। अगर मैं ओशनिक बॉटम की बात करूं, ये हमारा लैंड का सरफेस जा रहा है, इस तरह से कुछ नीचे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पानी भी क्या है ऐसे ही बहेगा, वाटर का मूवमेंट भी ऐसे ही बहेगा, और फिर सपोज करो फिर अप हो गया फिर ये अप, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पानी का मूवमेंट जो है वो स्लोप जो है कैसा होगा अप टू डाउन। ध्यान रहे, तो आइए जरा जान लेते हैं ओशनिक बॉटम का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओशन का सरफेस है वहां पे कैसा ढलान है, तो उसी को हम ओशनिक ड्रॉप बोलते हैं। इसका हम जान लेते हैं, इसका रीजन क्या हुआ हमारा, इसका रीजन हुआ प्यारे बच्चे हमारा, वाटर मूव फ्रॉम हाई टू लो स्लोप। पानी हमेशा हमारा जो जितनी ऊंची ढलान पर है नीचे ढलान की तरफ जाएगा, हाई टू लो। सेकेंड रीजन की मैं बात करूं, दूसरा कारण है हमारा फोर्स अप्लाइड, बाय विंड। इसको जरा हम ऐसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, ये सपोज करिए पानी जा रहा है, ये हमारा वाटर, ये हमारा पानी बह रहा है, ठीक। एयर का जो डायरेक्शन है, हवा हमारी ऊपर से चलती है, क्योंकि पानी को बहाने की फोर्स कौन सी लग रही है, जैसे ही मैंने बताया था पानी को जो एक डायरेक्शन में बहा के ले जाती है वो हवा लेके जाती है, विंड लेके जाती है, एयर लेके जाती है। अब हमारे हवा का जो डायरेक्शन है, एयर का डायरेक्शन है वो ऐसे, क्योंकि एयर जरा देखा होगा लैंड का एरिया जो होता है वहां पे एयर का जो स्पीड है वो कम होती है, क्योंकि माउंटेन्स तो है नहीं कोई जो भाई एयर की स्पीड को रोके, हवा की स्पीड को रोके जाए। पानी में तो कोई माउंटेन है ही नहीं भाई, ऊपर पानी के ऊपर तो कोई माउंटेन होता नहीं,
तो जाहिर सी बात है वहां पे जो हवा का जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे पानी के जिस डायरेक्शन में हमारी हवा चल रही है, जिस डायरेक्शन में हमारी विंड चल रही है, तो बिल्कुल सेम उसी स्पीड से उसी तरीके से ही हमारा पानी भी जाएगा। अब बस उसी को ही तो हम ओशन करंट बोलते हैं, यहीं से तो हमारे ओशनिक करंट बनते हैं। अब जरा ध्यान रहे, जब हमारी हवा चलती है तो पानी का मूवमेंट तुमने देखा होगा कुछ इस तरह से चलता है हमारा। कुछ इस तरीके से पानी चल रहा है, कहने का मतलब जब हवा तेज स्पीड से बहती है तो पानी को दबाती है सबसे पहले। तो देखो यहां पर जो है पानी को हवा ने सबसे पहले दबाया, ठीक। अब जब इसमें दबाएगी तो पानी का जो है, तुमने देखा होगा कोई भी तालाब हुआ तो उसमें पानी जो है बहता चला जाता है, क्यों? क्योंकि विंड की हवा के कारण, और वो हमेशा क्या है इस तरह से बहता हुआ जाता है। तो ये हवा का ही असर पड़ता है। ये क्या होगा, इसमें जो हमें देखने के लिए मिलेगा एयर जो चल रही है इसकी स्पीड जो आएगी सबसे पहले वो पानी को दबाएगी, तो पानी नीचे जाएगा, ठीक, और फिर ऊपर उठ के आएगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यानी कि जिस तरीके से, जिस स्पीड से हमारी एयर चल रही है, हवा चल रही है, बिल्कुल उसी डेफिनेट स्पीड, डेफिनेट डायरेक्शन से ही हमारा पानी का बहाव होगा। यानी कि हमारा जल प्रवाह, जिस तरीके से हमारा जल जो है, पानी जो है बह रहा है, तो वो किसी वजह से बह रहा है, क्योंकि हमारी विंड्स ने जो है फोर्स अप्लाई करी हुई है, अपनी ताकत लगाई हुई है। और जब ताकत लगाई जाती तो पानी का जो है वो इस तरीके से मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। एक बार वो नीचे आया क्योंकि सबसे पहले स्पीड क्या है, पानी को जब डायरेक्शन देता है तो वो हवा ही देती है, तो एक बार पानी को नीचे दबाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरीके से जो मूवमेंट्स होते हैं, तो बस इसी की वजह से ही हमारा ओशनिक करंट बनता है। एक बार नीचे गया, दूसरी बार फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो इस तरीके से पानी बहता है, ठीक। थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं वो है टेम्परेचर। ये रीजन समझ में आ गए, हम बात करते हैं थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या हो सकता है, आइए जरा समझते हैं। इतना तो हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होगी तो वाटर राइज अप होगा, पानी ऊपर बहेगा, वाटर राइज अप। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर बिल्कुल जस्ट उल्टा कर देते हैं, टेम्परेचर हमारा लो होता है, यानी कि जब हमारा ठंडा होता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी, और टेम्परेचर का कम होने का मतलब ठंड। जब हमारा टेम्परेचर कम होता है तो वाटर जो है, डेंसिटी तो बढ़ ही जाएगी, वाटर गोज डाउन, और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से पानी बढ़ता रहता है समुद्र में। और जब टेम्परेचर कम होगा, ठंड होगी, तो पानी श्रिंक करेगा। तुमने जरा देखा होगा एक एग्जांपल में, जब हम फ्रिज में कोई भी चीज को जमाते हैं, पानी को फ्रीज करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो बिल्कुल कम होता है, तो टेम्परेचर कम होता है तो पानी सिकुड़ता है, श्रिंक होता है। सिकुड़ने की वजह से फिर वो कैसी फॉर्म ले लेता है, आइस की फॉर्म ले लेता है, फिर वो बर्फ बन जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो देखो वाटर गोज डाउन, ठीक। ऐसे ही जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पानी फैलता है। तुमने ऐसे यही चीज बिल्कुल हमारी माउंटेन्स पर भी अप्लाई होती है। माउंटेन्स में भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पहाड़ हमारा बढ़ता है, टेम्परेचर कम होगा तो हमारा माउंटेन श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा। तो ये सारे हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पे यही चीज होती है। और यहाँ से हमारा पानी, हाँ
ये जो पानी का अप और डाउन जो है वो हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, क्योंकि हमारा जो है हाई जो पानी, जो गर्म पानी जो होता है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक, और पानी जो ठंडा होता है उसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा। और ज़रा एक बात और ध्यान रहे कि तुमने देखा होगा कि जब बाल्टी में हम कोई भी पानी भर देते हैं तो देखा होगा कि शुरुआत ऊपर जो है गर्म पानी है और नीचे ठंडा है, वो इसी की वजह से, वेट की वजह से, क्योंकि इसमें वजन जो है वो गर्म पानी का ज़्यादा होता है, ठंडे पानी का कम होता है, क्योंकि इसमें डेंस पार्टिकल्स जो हैं वो सिकुड़े हुए होते हैं। वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सिकुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उसका वजन भी कम हो जाता है, ठीक। और जो गर्म पानी होता है उसका वजन ज्यादा होता है, भारी होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स फैले हुए होते हैं। आइए जरा ध्यान दे लेते हैं। तो ये जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी क्या है, इससे हमें पता चला हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमारा पानी का बहाव होता है, हाई टू लो टेम्परेचर। बस इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है। अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ओशनिक करेंट्स। ये तीन ही ऐसे रीजंस हैं, ये तीन ही ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे ओशनिक करंट बनते हैं, पानी का बहाव चलता है जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में चलता है, फिक्स कांस्टेंट स्पीड से चलता है। आइए जरा टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट्स जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा टाइप्स है, तो ये दो तरह के ओशन करंट्स होते हैं, एक होता है वार्म करंट और एक होता है ठंडे करंट, कोल्ड करंट। वार्म को बोला जाए तो गर्म जल धारा, अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो उसको हम जल धारा बोलते हैं, ओशन करंट को हम बोलते हैं जल धारा। तो वार्म का मतलब गर्म, तो गर्म जल धारा हुआ, और कोल्ड का मतलब ठंडी जल धारा। तो बस यहां से इसको हम देख लेते हैं, इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, गर्म जल धारा, और जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर जाता है उसी को ही हम जल धारा बोलते हैं। तो ओशन करंट जैसे मैंने बताया था फिक्स डायरेक्शन में जाता है, और कोल्ड का मतलब हुआ ठंडी जलधारा। आइए जरा जान लेते हैं क्या क्या ऐसे पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहले हम इसका मूवमेंट समझ लेते हैं। मूवमेंट क्या है जरा ये देखते हैं। एक एग्जांपल के साथ अगर मैं देना चाहूं, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये हमारी अर्थ है, यहां पर हमारे पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में, जो उत्तर दिशा में है तो उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, और जो साउथ डायरेक्शन में है, जो साउथ दिशा में है, दक्षिण दिशा में, तो उसको बोलते हैं साउथ पोल। यार बच्चों डायरेक्शन तो सबको पता होंगे ना, ऐसे अगर मैं बात करूं, ये हमारे नॉर्थ हो गई, नीचे वाली साउथ, ये हमारी ईस्ट, ये हमारी वेस्ट। तो जो ऊपर की तरफ जाती है उसको हम नॉर्थ बोलेंगे, तो नॉर्थ पोल, और जो नीचे की तरफ जो डायरेक्शन जाता है वो साउथ में, तो साउथ पोल, ठीक। बीच से आपको सबको पता होगा इक्वेटर जाती है, इक्वेटर लाइन, जो अर्थ को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जाते हैं, और ये लाइन हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। ये लाइंस जो भी हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो हम पढ़ते हैं इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये अपने एक स्पेसिफिक मेजरमेंट्स पे बने हुए हैं। तो ये हमारी इक्वेटर है और ये 0 डिग्री पर होती है, इसका मेजरमेंट क्या है, 0 डिग्री। हमारी अर्थ की जो शेप है वो तो स्फेरिकल शेप है, स्फेयर है,
साउथ और नॉर्थ पोल की वजह से ऊपर से ये फ्लैट है, यहां से फ्लैट हो गई, और इन दोनों की तरफ से ईस्ट और वेस्ट में ये क्या है, फूली हुई है, बल्जिंग है। तो आइए जरा समझ लेते हैं, वॉर्म करंट की अगर मैं बात करूं, वॉर्म करंट में क्या होता है, वॉर्म का मतलब गर्म धारा। अब जरा वॉर्म करंट को हम इस पेन से बना देते हैं रेड, रेड का मतलब आग, दिखाते ना आग को लाल कलर से। तो जरा देखते हैं इसका जो प्रवाह, अगर मैं बात करता हूं, ये हमारी इतना तो सबको पता है कि इक्वेटर लाइन जिस एरिया से गुजर कर जाती है वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ये तो बेसिक सी चीज है, क्लास सिक्स में पढ़ी होगी। तो जिस एरिया से हमारे इक्वेटर गुजर कर जाती है वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सन की रेज जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं, और जिन जगह से, जिन देशों से हमारी इक्वेटर जाती है, भूमध्य रेखा जाती है, तो उन्हीं जगह पर ही हमारी गर्मी पड़ती है। तो बस वार्म का मतलब गर्म, और गर्म तो यानी इक्वेटर से, तो जो भी हमारी जाएंगी पोल की तरफ, इनका डायरेक्शन क्या होगा, पोल। जो भी हमारी धाराएं, जो भी हमारी करंट्स जो हैं पोल्स की तरफ जाएंगी, उसी को ही हम वार्म करंट्स बोलते हैं, गर्म जलधारा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ गई तो ऊपर भी इसी प्रकार से जाएंगी। तो इन करंट्स को हम बोलते हैं वार्म करंट्स, क्योंकि ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो इनका मूवमेंट हमें पता चल गया। तो पहला पॉइंट देखो यहीं से बन गया, ऑलवेज मूव्स, ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स और किसकी तरफ जाती हैं, पोल्स की तरफ, क्योंकि धारा ये हमारी करंट जो है कहां से पैदा हुई है, गर्म दिशा से ही तो होंगी, गर्म जगह से ही तो हमारी करंट बनेगी, फॉर्म होगी, तो गर्म जगह तो हमारी इक्वेटर हो गई ना। तो बस इक्वेटर से ही हमारी बन के पोल्स की तरफ जाएंगी, तो गर्म से ठंडे की तरफ जाएंगी, तो जहां से शुरुआत हुई है, जहां से बनी है, तो वही तो हमारी वार्म करंट्स कहलाई जाती हैं। और किसकी तरफ जा रही है, पोल्स की तरफ जाती हैं, तो इनका डायरेक्शन जो है ये पोल्स की तरफ माना जाता है। तो उसको हम एक तरह से ये लिख सकते हैं कि इनका डायरेक्शन कैसा रहता है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ। इक्वेटर से पोल्स की तरफ इनका बहाव रहता है, इनका डायरेक्शन रहता है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, गौर से जरा बात देखिए। अब देखो वार्म करंट है तो जाहिर सी बात है गर्म है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि वाटर वेपर भी ज्यादा होगा, वहां पर वेपराइजेशन भी ज्यादा होगा, और वाटर वेपर ज्यादा होगा तो रेनफॉल भी ज्यादा होगा, वाटर साइकिल भी तो ज्यादा होगी, है ना। अगर हम देखें जहां पे वाटर वेपर ज्यादा होता है वहां पे रेनफॉल, बारिश ज्यादा होती है, वहां पे वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर साइकिल में ही हम पढ़ते हैं, पढ़ाया था कि वाटर वेपर ज्यादा बारिश ज्यादा, क्योंकि बारिश किसकी वजह से हो रही है, इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर उड़ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो बस यहाँ पे जब टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर वेपर भी ज्यादा, तो हाई रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल कैसा होगा, हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल, ठीक। ये एक इक्वेशन बन रही है हमारी कि ज्यादा टेम्परेचर प्लस ज्यादा वाटर वेपर का होना तो वहां पर ज्यादा बारिश भी होगी, ठीक। ऐसे ही हम कोल्ड करंट की तरफ आते हैं। कोल्ड करंट हमें क्या बताता है, इसका मतलब क्या हुआ, ठंडी जलधारा। तो इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्या उल्टा होगा, आइए जरा देखते हैं। यहां पर तो क्या था कि जिस एरिया, जो इक्वेटर वाली लाइन जो थी, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता था तो गर्मी भी ज्यादा वहीं से होती थी, तो ये
करंट जो है वहीं से ही बनती थी, वहीं से स्टार्ट होती थी और कहां पे खत्म होती थी, पोल्स की तरफ। अब जस्ट उल्टा कर देते, ठंडी में क्या है, और ठंडा एरिया आपको पता है पोल्स का ही एरिया आता है, फ्रिजिड जोन में आता है हमारा, ये फ्रीज कर देने वाली जगह। तो यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होगा वो कहां पर होगा, पोल्स की तरफ होगा। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा होगा इनका, ये हमारी करंट्स कहां से जाएंगी, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगी। तो बस पहला मोमेंट हमने समझ लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारी इक्वेटर हो गई, ये साउथ पोल हो गया। तो यहां से अब मैं ब्लैक से बता दे रहा हूं, ठीक, ये ब्लैक का मतलब ठंडी जलधारा, ठीक। तो ये पोल्स में ज्यादा होता है टेम्परेचर, तो ये जो हमारी करंट्स जो जाएंगी ओशनिक करंट्स, जब हमारा वाटर का मूवमेंट जो होगा वो पोल से किसकी तरफ होगा, इक्वेटर की तरफ। ऐसे यहां पर ये पोल्स की तरफ से लेकर कहां पर जाएंगी, इक्वेटर की तरफ जाएंगी। तो बस इसीलिए इनको कोल्ड करंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होती है, बनती कहाँ से है, ठंडी जगह से, और ठंडी जगह आपको पता है पोल्स की तरफ होती है। एक नॉर्थ पोल में ज्यादा ठंड होगी और साउथ पोल में ज्यादा ठंड होगी, इसके अलावा उससे ज्यादा ठंड कहीं हो ही नहीं सकती। तो बस ये करंट्स हमारी पोल से बनती हैं, और पोल से किसकी तरफ जाती है, इक्वेटर की तरफ, जहां पे ज्यादा गर्मी है। तो देखो पहला पॉइंट हमारा इससे बन गया, मूव्स ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स इक्वेटर। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दीज करेंट्स मूव्स फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ये करंट कहाँ की कैसे जाती हैं, ये कैसे फ्लो करती हैं, दीज करेंट्स फ्लोज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, ये मैंने काफी उसमें कर दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो उसको हम ये दिखा सकते हैं, पोल से इक्वेटर की तरफ जाती हैं। इनका डायरेक्शन जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ है, क्योंकि तो हमें पता है पोल्स पर ही ज्यादा ठंड पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। जहां पे अब गर्मी थी तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ज्यादा वेपर कर दिया, तो बारिश ज्यादा हो गई। अब जरा देख लेते हैं, यहां पर ठंड का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर भी कम होगा, और वाटर वेपर कम होगा तो लो रेनफॉल होगी, बारिश बिल्कुल नहीं होगी, ना के समान होगी, तो यहाँ पे लो रेनफॉल होगा। और लो रेनफॉल की वजह से वो एरिया कैसा हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां पे बारिश नहीं होती तो वो कैसा हो जाएगा, सूखा, वो वहां पे कैसा हो जाएगा, वो रेगिस्तान मिल जाएगा। तो बस यही इसके मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो दो तरह के हमने टाइप्स ऑफ करंट पढ़े, एक होते हैं वार्म और एक होते हैं कोल्ड। वार्म का मतलब ही गर्म होता है, तो जो गर्म जलधारा होती है वो गर्म एरिया से निकलेंगी, और गर्म एरिया आपको पता है इक्वेटर, तो इक्वेटर से कहाँ जाएंगी, पोल्स की तरफ। तो देखो इक्वेटर से पोल्स की तरफ। और जब ज्यादा गर्म होती, तो गर्म का मतलब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी भाप की फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा और फिर नीचे बारिश हो जाएगी। तो देखो ये पॉइंट बन गया। ठंडी करंट की अगर मैं बात करूँ कोल्ड करंट की, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो देखो टेम्परेचर कहाँ कम होगा, जहाँ पे ठंड ज्यादा होगी, और ठंड ज्यादा होगी तो पोल्स की तरफ ज्यादा ठंड होगी, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, तो वहां से ये हमारी ओशन करंट्स बहेंगी, और किसकी तरफ बहेंगी, जहाँ पे गर्म है, तो कहाँ से पोल से लेकर गर्म कहाँ है, इक्वेटर की तरफ। तो देखो पोल से इक्वेटर इसका मूवमेंट है, बहता है। और टेम्परेचर कम है क्योंकि ठंडा तो पता है टेम्परेचर कम है, तो उल्टा कर दो इस इक्वेशन का, वाटर वेपर कम हो जाएगा, पानी भाप की फॉर्म में ज्यादा उड़ेगा ही नहीं, तो बारिश भी कम होगी। तो देखो सेकंड पॉइंट हमारा बन गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों, जो कि हमें टाइप्स ऑफ रेन ओशनिक करंट्स में हमने पढ़े, और काफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
इसको हम मैप से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज ये लास्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो आप मैप के हेल्प से पढ़ देंगे, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम स्टे सेफ। ओके, थैंक यू क्लास।